संस्कार आचरण व्यवहार के ऊपर छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी। एक गांव में एक बहुत समझदार और संस्कारी औरत रहती थी। एक बार वह अपने बेटे के साथ सुबह सुबह कहीं जा रही थी, तभी एक पागल औरत उन दोनों माँ बेटे के रास्ते में आ गई और उस लड़के की माँ को बहुत बुरा भला कहने लगी। इस पागल औरत ने लड़के की माँ को बहुत सारे अपशब्द कहे, लेकिन फिर भी उस औरत की बातों का माँ पर कोई असर नहीं हुआ और वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। जब उस पागल औरत ने देखा कि इस औरत पर तो उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो वह और भी गुस्सा हो गई और उसने सोचा कि मैं और ज्यादा बुरा बोलती हूँ। अब वो पागल औरत उस लड़के की माँ, उसके पति और परिवार के लिए भला बुरा कहने लगी। लड़के की माँ फिर भी बिना कुछ बोले आगे बढ़ते रही। काफी देर भला बुरा कहने के बाद भी जब सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो पागल औरत थक कर लड़के की माँ के रास्ते से हट गई और दूसरे रास्ते पर चली गई। उस औरत के जाते ही बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, उस औरत ने आपको इतना बुरा भला कहा, पिताजी और घर के अन्य लोगों तक के लिए बुरी बातें कही, आपने उस दुष्ट की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? वो औरत कुछ भी जो मन में आया बोलती रही और आप मुस्कुराती रही, क्या आपको उसकी बातों से जरा भी कष्ट नहीं हुआ? उस समय माँ ने बेटे को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप घर चलने को कहा। जब दोनों अपने घर के अंदर पहुँच गए, तब माँ ने कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। कुछ देर बाद माँ अपने कमरे से कुछ मैले कपड़े लाए और बेटे को बोली कि यह लो, तुम अपने कपड़े उतार कर ये कपड़े पहन लो। इस पर बेटे ने कहा कि ये कपड़े तो बहुत ही गंदे हो रहे हैं और इनमें से तो तेज दुर्गंध आ रही है। बेटे ने उन मैले कपड़ों को हाथ में लेते ही उन्हें दूर फेंक दिया। अब माँ ने बेटे को समझाया कि जब कोई तुमसे बिना मतलब उलझता है और भला बुरा कहता है, तब उसके मैले शब्दों का असर क्या तुम्हें अपने साफ सुथरे मन पर होने देना चाहिए? ऐसे समय में गुस्सा होकर अपना साफ सुथरा मन क्यों खराब करना? किसी के फेंके हुए मैले अपशब्द हमें अपने मन में धारण करके अपना मन नहीं खराब करना चाहिए और न ही ऐसी किसी बात पर प्रतिक्रिया देकर अपना समय ही नष्ट करना चाहिए। जिस तरह तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह ये मैले कपड़े धारण नहीं कर सकते, उसी तरह मैं भी उस औरत के फेंके हुए मैले शब्दों को अपने साफ मन में कैसे धारण करती? यही वजह थी कि मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा।